एक ऐसा देश भी है जो अब तक हमसे 7 साल और 3 महीने पीछे है। ये वो देश है जहां अब भी साल 2014 ही चल रहा है। इतना ही नहीं, वहां 1 साल 12 महीने का नहीं बल्कि 13 महीने का होता है। ये कौन सा देश है? यहां समय इतना पीछे क्यों चल रहा है? यहां साल में 12 की जगह 13 महीने क्यों होते हैं? इन सभी सवालों के जवाब काफ़ी रोचक है जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। साथ ही इस देश की खूबसूरत तस्वीरें भी मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। तो मैं हूं आपका दोस्त मितेश और चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। इस देश का नाम इथियोपिया है जिसकी राजधानी अदिस अबाबा है। इथियोपिया अफ्रीका का सबसे पुराना स्वतंत्र देश है और आर्मेनिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना आधिकारिक ईसाई राष्ट्र है। वर्ल्डोमीटर्स इलेबोरेशन ऑफ लेटेस्ट यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों के अनुसार इथियोपिया की वर्तमान जनसंख्या लगभग 11 करोड़ 40 लाख है। इथियोपिया पूर्वोत्तर अफ्रीकी क्षेत्र में है जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रूप में भी जाना जाता है। यह अफ्रीका में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। पहले पायदान पर नाइजीरिया है, इसके उत्तर में इरिट्रिया, उत्तर पूर्व में जिबूती, पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में केन्या और पश्चिम में सूडान है। अम्हारिक इथियोपिया की आधिकारिक भाषा है, हालांकि अंग्रेजी, इतालवी, फ्रेंच और अरबी भाषाएं व्यापक रूप से बोली जाती है। बड़े शहरों और कस्बों के बाहर के क्षेत्र में स्वदेशी भाषा बोली जाती है। इनमें से सबसे आम है एरोमिनिया और तिंग्रिया। अब बात करेंगे इथियोपिया के ऐतिहासिक और सबसे खूबसूरत शहरों के बारे में। अदिस अबाबा इथियोपिया की राजधानी और अफ्रीका में शॉपिंग व व्यापार के लिहाज से सबसे बड़े शहरों में से एक है। एडामा एडिस के पास एक लोकप्रिय शहर है जिसे नेजरेट या नेजरेत के नाम से भी जाना जाता है। दीर दबा दूसरा सबसे बड़ा शहर है इथियोपिया में। गोंडर 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान इथियोपिया की प्राचीन राजधानी यही थी। हरार दीर दबा के पास प्राचीन दीवार वाला शहर हरार है। मेकेले टिग्रियन हाइलैंड्स का लोकप्रिय शहर है। अब मैं आपको बताता हूं कि इथियोपिया का कैलेंडर इतना पीछे क्यों है। दुनिया में पहले जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल होता था, फिर साल 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई। लगभग सभी ने इस कैलेंडर को अपना लिया, लेकिन कुछ देश इसके विरोध में भी थे। इथियोपिया में भी कैलेंडर का विरोध हो रहा था। इथियोपिया भी इस कैलेंडर का विरोध कर रहा था। मैं आपको बता दूं कि इथियोपिया में इथियोपियन कैलेंडर का इस्तेमाल होता है। इस देश ने कभी भी जूलियन या ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं अपनाया है। इथियोपियन कैलेंडर में 1 साल 13 महीने का होता है। इथियोपिया का नया साल 10 या 11 सितंबर से शुरू होता है। 12 महीनों में हर महीने में 30 दिन होते हैं। आखिरी महीना पायुग में कहलाता है जिसमें सिर्फ 5 या 6 दिन ही आते हैं। साल में जिनकी गिनती नहीं होती है उन दिनों को जोड़कर ये महीना बनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये जानकारियाँ लाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।